बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को दी सौगात। मथुरा में संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन। साधु रितंबरा जी के जन्मोत्सव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन वासल ग्राम पहुंचकर दी बधाई। जिस तरह साधु रितंबरा जी ने 60 वर्ष पूर्ण किए, उसी के उपलक्ष्य में वृंदावन स्थित वासल ग्राम में षष्ठी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय था, जिसका आज लास्ट दिन था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वासलग्राम वृंदावन पहुंचकर प्रथम राज्य के 60 वर्ष पूर्ण करने को लेकर उनको जन्मदिन की शुभकामना दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां सर्वप्रथम वासलग्राम में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि जिस तरह मथुरा वृंदावन की धरती अपने आप में अध्यात्म का एक ऐसा केंद्र है, जो आदमी एक बार वृंदावन आ जाता है वह वृंदावन का बनकर ही रह जाता है। जैसे कि 100 नहीं बल्कि हजारों विदेशी आकर इस श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के साथ आनंदित होकर भक्तिभाव में राम हुए, और मैं भी जब से वृंदावन पहुंचा हूं तभी से अभी तक आनंद महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार वे केंद्रीय विद्यालय गए तो उसमें छात्राओं को केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा नहीं दी जाती, तो आज भारत सरकार के सहयोग से केंद्रीय विद्यालयों में बालिका भी पढ़ सकती है और वृंदावन में वासल ग्राम की धरती पर सैनिक स्कूल को मान्यता दी गई है। अब सामाजिक समरसता इस देश में पैदा करने के लिए अपनी दायित्व का निर्वाह करें, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और वैसे भी आप सब जानते हैं, हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने, अकेला देश है इस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया है, आगे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पूजनीय आचार्य रितंबरा जी भविष्य में काम करेंगे। आज यदि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवियों सज्जनों, कि आप सभी संत भी उत्तर प्रदेश में एक विशेष वातावरण का अनुभव आप निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो स्वयं एक संत के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। गोरख पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूँ। वह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उससे जनता के मन में तो सुरक्षा का ही नहीं बल्कि एक समृद्धि का भाव पैदा हुआ है और साथ ही साथ एक गौरव का भाव पैदा हुआ है। जान बूझ कर मैं अपनी इस भावना को आप सबके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ हमारे संतों के संत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहां पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा, समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्या भाइयों बहनों, और आज एक नया कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहां हो रहा है। वात्सल्य धाम में बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य संत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से
माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहां पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा, समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं सीएमसी बेल्लौर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ईएसआई कार्ड, बीएसएनएल के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं टीपीआई कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।